congratulations and celebrations. Congratulations and celebrations. आगे किसी को नहीं पता कि क्या बोलना है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल नित्या टीवी के एक और धारावाहिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है. और आज मन्ना मन्ना आज मम्मा और आदू सेम टू सेम लग रहे हैं, है ना? डरा रही है लड़की. पापा प्लीज हमारे आउटफिट्स दिखा दीजिए, भगवान आपका भला करेगा. आदू आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो. क्या मतलब आदू आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो. पापा क्या कहने जाते हैं, ये लो अपनी डांडिया पकड़ो. चलो डांडिया खेल के दिखाओ मेरे को कैसे खेलते हैं. ठीक है, और ये भी दो. जी मम्मा की है. चलो खेलो. टन 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 टन. आप करो हिट. इसे ये हटा लेना, मेरे को डर लगता है इसके हाथ में. तो मेरे को किसी के सर पर डूंग करके मार कर देगी. वो डूंग कर भी देगी और उसके सामने बोला भी मत करो ऐसे. वो सच में कर भी नहीं. ये तो मम्मा को बेटा पता लगे स्कूल. इसको ना कभी भी किसी भी चीज पे हिट नहीं करते, ये सिर्फ एक इसके साथ हिट करते हैं. पता लगे स्कूल लगे किसी बस कर दे, बस कर दे. एक बार चले सरस्वती माता बैठी मुंह पे. अरे अश्विन आराम से, आराम से. हे भगवान जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. अरे भाई इसका डांस शुरू हो चुका है. पापी क्या करते हो? पहले ये घर पे ही डांडिया करके जाओगे क्या? सो गाइज वी हैव रीच्ड एंड आते ही आदू के यहाँ पे बाहर सारे स्विंग्स हैं, तो स्टार्ट हो गए स्विंग्स. हाँ हाँ ट्रेन. और क्या है ये? देखो बोर्ड देखो कितना सुंदर लग रहा है. इस पे क्या लिखा है आदू? इस पे लिखा है हैप्पी नवरात्रि. नवरात्रि चल रही है ना, इसलिए. चले अंदर चले हम. स्लोली स्लोली स्लोली. अच्छा होल्ड माय हैंड. चलो आप मम्मा का हैंड पकड़ो. मम्मा की नहीं बंधी थी, इसलिए हमने मम्मा को बांध दिया. ठीक है, थैंक यू. आइए मम्मा. देखो ब्यूटीफुल है ना. थैंक यू. चल हेलो. मस्त फोटो सेशन करा के हम लोग निकल गए हैं. अब चलते हैं. अगर स्लोली होल्ड द रेलिंग. तो सब सभी हमारे व्लॉग देखते हैं मतलब. हाँ तो ये तो सब गाइस हैं हमारे. हाँ मैम. मैम क्या कह रही हैं? मैम हैप्पी नवरात्रि. तो हम लोग बैठ गए हैं आके और यहाँ पे अब हो रही हैं एक्टिविटीज. आदू साइंस एक्टिविटी होगी कोई? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? हाउ मच एक्साइटेड? दिस मच और दिस मच? दिस मच. सो लेट्स स्टार्ट. कलर एक्सप्लोजन करेंगे जिसमें अभी आप ये एक्टिविटी करेंगे एंड कलर में बर्स्ट आउट बाहर आएगा. स्टार्ट करें. फर्स्ट यू हैव टू ऐड सम फूड कलर. देखो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे. यू वांट टू हेल्प? यस. ओके लाइक मम्मा पास. ओके ओके देन बेक. नो वी हैव टू टेक दिस होल्ड लाइक दिस एंड देन वी विल ऐड सम विनेगर. लेट्स कीप इट हियर आदू. 1 2 चले. आप खुद ऐड करो. छोटा
अच्छा जी, ले लो आप और सोडा ले लो। डालो 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 डालो। ओ बेटा ओ बेटा, दू दू। हाँ, ये तो बहुत सारे बबल्स आ गए। सब लोग आ गए। हेलो, नवरात्रि। जय हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी। वाओ, मम्मा एंड दादी इज वेयरिंग सेम सेम कॉस्ट्यूम। यस। अच्छा, व्हिच कलर कॉस्ट्यूम यू आर वेयरिंग? रेड कलर। ही रेड कलर है। वाओ, एक्टिविटी करिए, आ जाइए यहां पे। थे बीबी के साथ मैम, प्लीज विजिट। हां, आते हो। व्हाट इज दिस? हु इज ही? रावण जी। आप जानते हो रावण जी को? अभी गाइस को भी दिखाएंगे आदू कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा फेविकोल और ऐसे। ओह भाई साहब, ठीक है, चलो अब हम गाइस को भी दिखाएंगे। इट्स ओके। सो गाइस, आपको एक्टिविटी दिखा देते हैं। अभी यहाँ पे क्या किया है, ये ऊपर किया है ना, तो यहाँ पे भी हमने लगाई है फेविकॉल। एंड अब हम इस पर स्प्रिंकल कर रहे हैं सम सॉल्ट। सो अरे स्लोली 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 बीबू, बीबी आपके हाथ पे वो लग जाएगा। और ये स्प्रिंकल करने के बाद अब जहाँ पे फेविकॉल है, सो यहाँ से हमने ये लिया एंड ये हमने एक ड्रॉप डाला। ओ अदू, did you see the magic? So guys, now we are moving to the third activity. इससे पहले सब बाहर कलेक्ट हो, एक लास्ट एक्टिविटी बची है। Let's see. So guys, this activity is best out of waste. So यहाँ पे हमें इससे कुछ बनाना है। आदू, इसके लिए क्या बनाएंगे? क्या बनाए इससे हम? खुशी, वन बिग लीव एंड देन वन स्मॉल लीव एंड देन वन मोर बिग लीव। डांस सेशन, बट सिंस यहाँ पे गाने चल रहे होंगे तो मैं यहाँ पे व्लॉग नहीं कर पाऊंगी। ओके, जो व्लॉग बंद करना पड़ेगा हमें। इट्स ओके, चलो डांडिया ले आओ फिर फटाफट से। पूरे स्कूल में ये लड़की मेरे को हंडा रही है। यहाँ पे मैं सैंड से खेलती हूँ, यहाँ पे मैं ये वाली गेम से खेलती हूँ। पूरा जिसने मेरे को स्कूल टूर कराया आज, है ना, वॉशरूम बोल के गई थी और पूरा स्कूल टूर करा के आ रही है। ये देखो ये देखो ये देखो, ये करा इस लड़की ने आज, है ना। अब देखो सब डांस कर रहे, बेबी आप भी डांस करो। साबुदाना एंड कर्ड। आदू आपको क्या खाना है इसमें से? पूरी और कर्ड। आलू नहीं खाना? क्यों? ये सबसे अच्छा क्या है इसमें से? सब आदू का फेवरेट पूरी और दही। सिर्फ पूरी और दही खाओगे आप? वो अभी स्कूल में होते तो सब खा लेते। तो हम लोग अपना लंच कर एंजॉय करते हैं और फिर मैं नोलू को कॉल करती हूँ। एंड आई थिंक इसके बाद बस वाइंड अप हो जाएगा और हम घर जाने वाले हैं। सो गाइज, आदू और मानसी को लेके घर पे आ गए थे और वो लोग सो चुके हैं, मतलब काफ़ी देरी हो गई सोए हुए। और मैं बैठ के अपना काम कर रहा था और एकदम से कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है और जिम भी जाना है क्योंकि 5 बजने वाले हैं शाम को, तो शाम को जाता हूँ मैं जिम। तो अभी बस जस्ट एक कॉफ़ी बनाने लगा था, कॉफ़ी बना लेते हैं फटाफट से। कौन सा कप लूँ यार, इतने सारे कप हैं हमारे पास। एक कुछ ये पड़े हैं, कुछ ये पड़े हैं, ये पड़े ये पड़े ये पड़े, ये और ले लेते हैं आज। ये देखो इसके अंदर, देखो ये दिल भी बना हुआ है इसके अंदर और बाहर भी दिल है। कभी कभी चीज़ें बढ़िया मंगा लेती है वैसे। ये तो है, मानसी का ना थोड़ा शौक है,
इसका अपना डेकोरेशन का और मग्स का तो बहुत ज्यादा, मग्स और सिपर दोनों का भाई का बहुत शौक है इसको। केटल में पानी है क्या डालना पड़ेगा, रुको केटल में पानी डाल लेते हैं। और जो जो लोग ये पूछ रहे थे ना कि कमेंट्स में कि जो गायत्री मंत्र वाला जो मंत्र धारा कल दिखाया था हमने आपको, उसका लिंक दे दो। तो दिस इज़ नॉट, मतलब हमने ये खरीदा ऑनलाइन नहीं खरीदा, ये मानसी के पापा की खुद की बनाई हुई चीज़ है, मतलब उनका यही काम है। तो मतलब बेसिकली तो उन्होंने हमें एक बना के दिया था, तो ये हमारी जो है ना ये होममेड वो है। तो दिस इज़, ये आपको ऑनलाइन मतलब दूसरी वैसे मिल जाएंगे आपको, बट ये वाला स्पेसिफिकली हमारा खुद का बनाया हुआ है। भाई जादू के स्कूल के फंक्शन से वापस आ गए थे और अब सोच रहे हो गए फिर से सज धज के तैयार हो गए। सज धज के तैयार क्यों है मोटे आजम, क्या है आज? मम्मी पापा की एनिवर्सरी है गाइस, आज है मम्मा पापा की एनिवर्सरी, तो फर्स्ट एनिवर्सरी। हाँ, वो हम उनके मुंह से पूछेंगे, उनसे पूछेंगे उनके इतने साल कैसे रहे। सो बस वहाँ पे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वैसे तो मम्मा का फास्ट है तो हम नियर बाय कहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो व्रत वाली थाली वगैरह मिलती है। मैं रेडी हूँ, मैं दिखा देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ, मेरे को और कोई तो दिखाने रहा। सो मैंने ये पहना है एंड अग्गू शाह ने देख ले कपड़ों में रख रही है। और मेरे को याद आ गया, आज मैंने आपको नवरात्रे वाला नहीं बताया, रुक जाओ यहाँ पे। नो ये प्लीज वाइंड अप कर देना, ठीक है। सो मैं स्टूडियो रूम में आ गई हूँ ताकि यहाँ पे शांति पूर्वक बता सकूँ। सो फास्ट फॉरवर्ड करके बताती हूँ, आज जिस रूप की पूजा होती है वो है माता चंद्रघंटा, एंड उनका नेम माता चंद्रघंटा इसलिए पड़ा था बिकॉज उनके फोरहेड पे यहाँ पे ऐसा था क्रीसेंट मून जो होता है ना, मतलब एक तो फुल मून होता है एक क्रीसेंट शेप का होता है, तो क्रीसेंट शेप का मून था यहाँ पे एंड इसलिए उनका नाम ये पड़ा। एंड कहा जाता है कि जब दैत्यों का बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया था, अभी आगे भी हम देखेंगे किस किस रूप में माता ने संहार किया था, तो अभी के लिए इसलिए ये रूप लिया गया था क्योंकि दैत्यों का जो आतंक है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो उसको खत्म करने के लिए माता रानी ने ये वाला रूप लिया था। और आज इसी रूप की पूजा होती है, और जो मतलब पूरे पर्टिकुलर पूजा करते हैं ना कि आज ये है, तो वो लोग भोग में मैंने पढ़ा था कि जो वो होते ना मखाने उसकी खीर और केसर माता रानी को भोग लगाते हैं। सो दिस इज व्हाट आई नो, इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पता तो मुझे जरूर बताना। अब हम लोग बस निकल रहे हैं अंदर, ये अब तो शांति होगी वैसे, तो बस अब निकलते हैं और वहां जाके आप लोगों को मम्मी पापा से भी मिलाते हैं, आप भी उनको कमेंट सेक्शन में विश कर देना। सो गाइज मीट द कपल ऑफ द इवनिंग, आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, तो बताइए आपको कितने साल हो गए, आपका इंटरव्यू हो रहा है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। पापा आप बताओ कितने साल हो गए शादी को? कहते 32 है लेकिन कुछ लोग कह रहे 31 ही होगा। लो जी कॉल हो गया, चलो मम्मी पापा की लड़ाई करा रहे थे। पापा जब शादी हुई थी क्या डे था उस दिन? सोम मंगल बुध हुई। मम्मी आप बताओ? नहीं, 5 अक्टूबर की शादी थी, वो तो डेट है माताश्री, लोग लड़ाई के करा दी इनको ही नहीं आता, दोनों को नहीं बताना, फिर ठीक है फिर बच गए दोनों। अब आप लोग ऐसे बोले जैसे सब बोलते हैं पता नहीं चला वक्त कहाँ निकल गया, इतने साल हो गए ऐसा बोलना है? हाँ हमसे बोला ही है। क्यों नहीं पता चले हमें? पता चला हमें पता चला 30 साल का मैं हो गया। हाँ तो 31 साल हो गए ना, 31 साल 32वां लग गया। हमारी जब शादी हुई थी ना तो नौमी वाले दिन की हमारी शादी थी और दशहरे वाले दिन मेरी डोली है। आदू आपको पता है दादू दादी की शादी कब हुई थी? 31 ईयर्स पहले। 31 ईयर्स पता है कितने होते हैं? दशहरा मंगलवार को आना अच्छा नहीं होता कि मंगलवार को रावण का दहन नहीं किया जाता। अच्छा इसलिए याद है आपको, अभी वेरीफाई हो रहा है। सो गाइस हम लोग घर से ही केक कटिंग सेरेमनी करके जा रहे हैं ताकि वहाँ जाके बस खाएं पिए, और केक देखो कितना मस्त लग रहा है। आदू बताएगी आज के दिन क्या हुआ। आदू आज के दिन क्या हुआ था? किसकी? दादू और दादी की। दादी की क्या हुई थी आदू? वेल्डिंग हुई थी, सही बात है, वेल्डिंग हो गई दोनों। कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। ये हमारी एनिवर्सरी गिफ्ट, पापा की फायर स्टिक है वो टीवी में लग चुकी है। आप क्यों नहीं यूज कर रहे ये बताओ? इसका मूरत मूरत निकलेगा। ये जो मेरे स्कूल का बवाल है ना वो इसके अंदर बहुत कुछ है, तो अभी मैं इसको छेड़ नहीं सकती। तो आदू को यहाँ पे भी गाइस मिल गया और आदू फोटो शूट करा रही है अपना, और करवा लो आदू फोटो खिंचवा लो आदू ऐसे। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं बाहर खाने के लिए हल्दीराम्स पे, और ये आदू जो है ना भाई साहब इसके उल्टे सीधे काम नहीं खत्म होते। आदू बेटा इसको प्लेट को सीधा करो, उसके अंदर सामान रख के खाओ ना। नहीं, नहीं, छोड़ो। अरे भाई प्लेट को सीधा करो, उसके अंदर रख के खाओ। नहीं, इसका हाथ रखो।
दिखा दो इसको, ऐसे रखो प्लेट को, इसके अंदर रखना, इसके अंदर। अरे भाई ये कौन सा तरीका है भैया, इसके अंदर रख के खाओ। सो गाइस ये दोनों लोग मेरे ऊपर चढ़ चुके हैं और बोल रहे हैं कि पापा जल्दी करो व्लॉग को एंड, और फिर क्योंकि मम्मा पापा मम्मा और आदू दोनों सुबह से घूम रहे हैं, थक गए ना हम, पूरी दोपहर सोए हैं दोनों के दोनों, अभी भी थके हुए हैं ये आए बड़े। हम लोग थकने से पहले आराम कर लेते हैं ना। चलो ठीक है गाइस व्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, व्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। चलो सो जाते हैं हम, कल तक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो गाइस होते हैं वो बेडशीट होते हैं। तो गाइस आप लोग बेडशीट हो, और जाके अपने क्या करना है आज, बड़े दिन से इंस्टाग्राम का नहीं बताया आपने, इंस्टाग्राम पे क्या करना है? इंस्टाग्राम पे बुक करना मत भूलना, बुक करना मत, इंस्टाग्राम पे कलर करना मत। ठीक है, जाके कलरिंग कर दो गाइस, कर देना गाइस, और वो बोल दो ब्लॉग देखने के लिए आपकी शुक्रिया की जाए, आपकी फिर शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय। सो जा सो जा सो जा, अरे सो जा सो जा सो जा, अरे सो जा सो जा सो जा।